इस वीडियो में देखने वाले हैं अल्फाबेटिक सेक्शन के अंदर सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा, जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट हाफ है वो सेम रहेगा, जो सेकेंड हाफ है मतलब द्वितीय अर्थांश है वो जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया रहेगा। तो इस प्रकार के अगर है क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग कुछ एक नोट देख लेते हैं। यदि सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का हो तो वैल्यू मान 13 से ज़्यादा आए तो 40 से घटा करके आंसर देते हैं। 40 से घटा करके क्यों, क्योंकि जो ए वैल्यू है इसको हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब यहाँ ला रहे हैं वो यहाँ पे ला रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं करके उत्तर देते हैं। यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए, मतलब इस वैल्यू में आए, इस फॉर्मेट में आए, 13 तक आए या 13 से कम आए, तो वही रहने देते जो वैल्यू आया गया रहेगा, मतलब क्योंकि लेफ्ट से राइट साइड तक यहाँ तक यही वैल्यू है, इसमें चेंज नहीं करेंगे। अगर 13 से ज़्यादा आया तो उससे हम लोग 40 में से घटा करके आंसर देंगे। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्थांश के अक्षरों को उल्टा करके लिखा जाए तो बाएं से लेफ्ट से आज 8वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा। जब इसको आगे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L20। देखिए ये जो मान है हमारा 14 से क्या है, सॉरी 13 से क्या है, अधिक है, 13 से अधिक होगा तो 40 में से घटा देंगे। L20, 20 वैल्यू क्या होती है, टी। टी हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टा करके लिखा जाए तो दाहिने से तीसरा अक्षर के बाएं 21वां अक्षर के दाहिने 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, दाहिने से तीसरा, दाहिने से तीसरा के बाएं, बाएं मतलब कि लेफ्ट, 21वां के दाहिने 22वां कौन सा अक्षर होगा। तो पहले स्थिति को लेते हैं हम लोग हैं, ये हो जाएगा 24 माइनस 22, आर की वैल्यू जाएगी यहाँ से 2। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस 2 कर देंगे तो लेफ्ट से 25। अब द्वितीय अर्धांश का है तो वैल्यू अगर 13 या 13 से कम हो तो सेम रहने देते हैं, अगर 13 से 14 से ज़्यादा हो तो 40 से घटा करके आंसर देते हैं। तो 25, 40 माइनस 25 घटा दिया तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी लेफ्ट साइड से, 15। 15 वैल्यू किसकी होती है, लेफ्ट साइड से ओ की, तो ओ जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से जो कन्फ्यूजन होगा कि राइट क्यों लिया, प्लस क्यों लिया, तो देखिए हम लोग जो पहला रहता है पहले ही लेते हैं, जो जैसे यहाँ पे पहला केस का है दाहिने का, तो दाहिना लेते हैं और पहला ही केस लेके सॉल्व करते हैं। अगर सेम सेम रहा, देखिए यहाँ पे दाया और दाया दोनों सेम है तो प्लस, यहाँ माइनस कर दिए, देखिए यहाँ पे अलग है तो यहाँ पे प्लस कर दिए। अगर आपको डाउट हो तो आप पहला वीडियो देखिए इसका, अल्फाबेट सेक्शन का।